हेलो फ्रेंड, देखिए आज जो है हम सीसीटीवी कैमरे की केबल बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से जो है सीसीटीवी कैमरे की जो केबल को बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बीएनसी कनेक्टर है, ये डीसी कनेक्टर है और ये रही हमारी केबल। और केबल को जो है ये स्पेशल वाला एक टूल है जिससे केबल के जो है कवर को आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग, देखिए इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, आपको हम बता रहे हैं इस वीडियो में कि केबल को किस तरीके से बनाया जाता है, सीसीटीवी कैमरे की जो है केबलिंग किस प्रकार से की जाती है। ठीक है, ये देखिए 3+1 सीसीटीवी कैमरे की केबल है। इसके अंदर जो है तीन पतले वाले वायर और जो एक मोटा वाला वायर मिलता है हमें। ठीक है, इसका कलर कुछ भी हो सकता है तीनों के वायरों में से, इस पर हमें ध्यान नहीं देना है। ये जो मोटा मोटी वाली जो केबल है इसको भी हम छील लेंगे अभी। देखिए ये हमने इसको जब हम छीलेंगे, इसके कवर को निकालेंगे तो इसमें भी सावधानी से इसको निकालना ताकि अंदर के जो वायर ना कटें। और केबल को जो है छीलने के बाद दोस्तों देखिए इसके अंदर भी हमें दो जो है वायर मिलते हैं। ठीक है, इस मोटे वाले वायर में भी दो वायर मिलते हैं जिसमें जो है हमें बीएनसी कनेक्टर को जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, ये जो है केबलिंग का ओनली वीडियो है, पूरा कंप्लीट सीसीटीवी कैमरे के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पे जो है डली हुई है वीडियो, इसकी डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके जो है देख सकते हैं। ये देखिए, इसको देख के आप अच्छे से समझिए कि किस प्रकार से जो है केबल को हमें जोड़ना है, किस प्रकार से जो है कनेक्टर लगाना है। ठीक है दोस्तों, आइए, ये डीसी कनेक्टर है हमारा कैमरे को जो पावर देता है। ये इसका प्लस और माइनस को आप ध्यान से देखिए कि रेड वाला जो है प्लस है दोनों में, ये बीएनसी में प्लस और ये माइनस, वो यहाँ जोड़ेंगे। और ये जो ग्रीन वाला वायर मैंने यहाँ छोड़ा हुआ हूँ और केबल के दूसरे छोर पे भी मुझे ये ग्रीन कलर का ही वायर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर माइक हमें लगाना है तो माइक हम ग्रीन वाले में लगा सकते हैं और नहीं तो इसको कोई से भी तीन कलर में से कोई से भी कलर के वायर को हम जहाँ की जगह जो है कैमरे के पास भी छोड़ना है और वही वाले कलर के वायर को हमें डीवीआर के एंड पे भी छोड़ना है। ठीक है दोस्तों, देखिए बीएनसी कनेक्टर में सबसे पहले मैंने प्लस को जोड़ दिया हूँ और एक टेप का टुकड़ा लेके इसको सबसे पहले मैं इस पर टेपिंग कर दूँगा ताकि दोस्तों इसमें जो है कार्बन आने की समस्या संभावना जो है बहुत कम हो जाती है। अगर अच्छे से हम लोग टेपिंग नहीं करेंगे और वायरिंग नहीं करेंगे इसकी तो जो है इसमें कार्बन आ जाएगा और कुछ ही महीनों के बाद ही हमारी जो है पिक्चर क्वालिटी कैमरे की बहुत ही डल हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए माइनस को हम यहाँ की जगह इसमें जोड़ देते हैं। ये बीएनसी कनेक्टर के जो है प्लस को हमको जो थोड़ा सा छोटा काट लेना है और माइनस को जो है थोड़ा सा लंबा काटेंगे ताकि जो है वो पीछे की ओर जुड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप हमारे जो है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों। ये देखिए बीएनसी कनेक्टर लगाने के बाद भी हम इसके अच्छे से टैपिंग करेंगे। ठीक है, ये देखिए बीएनसी कनेक्टर हमारा जुड़ गया है दोस्तों। अब आई बात कि देखते हैं हम डीसी कनेक्टर को किस प्रकार से लगाते हैं। ये डीसी कनेक्टर का सबसे पहले प्लस को हमने जोड़ा है। देखिए कनेक्टर में रेड वाला ज़्यादातर प्लस होता है और वाइट वाला कलर जो है माइनस होता है। ठीक है दोस्तों, ये डीसी और बीएनसी कनेक्टर जो लगेंगे ये जो है कैमरे की साइड लगेंगे दोस्तों। कैमरा हमें जहाँ लगाना है तो वहाँ की जगह उस केबल के उस छोर पे जो है हमें डीसी कनेक्टर और बीएनसी कनेक्टर दोनों लगाने पड़ेंगे। और जहाँ हमारा डीवीआर है उस साइड में हमें सिर्फ बीएनसी कनेक्टर लगाना है, डीसी कनेक्टर नहीं लगाना है। और जो वायर हमारे डीसी कनेक्टर में लगे हुए हैं वही डीवीआर के साइड पे उनको कैमरे की जो पावर सप्लाई आएगी उसमें हमें लगाने हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ग्रीन को मैंने यहाँ छोड़ के अच्छे से इसकी टैपिंग कर देंगे मजबूती के साथ ताकि जो है इसमें कार्बन ना आ सके। और कैमरा लगाएंगे हम तो इसमें जो है जंक्शन बॉक्स का भी हम इस्तेमाल करें ताकि जो है मॉइस्चर और
जो है किसी भी तरीके से हमारे कनेक्टर जो ख़राब ना हो, कार्बन ना आए। ये देखिए दोस्तों आपके सामने रही, कितने अच्छी केबल बनी है हमारी। बीएनसी कनेक्टर को थोड़ा लंबा छोड़ा है हमने और डीसी कनेक्टर को छोटा छोड़ा है। ठीक ठीक है दोस्तों, ये देखिए कैमरा रहा हमारे पास, कैमरे में हम लगा के भी देख लेंगे इसे। ये देखिए कैमरे में भी दो कनेक्टर आते हैं, एक तो डीसी और एक बीएनसी। ये देखिए डीसी को डीसी में ऐड करना है इस प्रकार से, और बीएनसी को बीएनसी में इस प्रकार से लगाना है। ये ठीक है दोस्तों, ये देखिए जब भी हम केबलिंग करेंगे तो केबल को लगाने के बाद जो है कनेक्टर हमें वहीं बनाना पड़ेगा और इस प्रकार से जो है इसको लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारे चैनल जो है नया है, इस पर जो है बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप सीसीटीवी कैमरे के से रिलेटेड, वाईफाई कैमरे से रिलेटेड, आप जो है वहाँ जाके देख सकते हैं चैनल पे। ये देखिए मेरे पास एक केबल है, मैं इसको आपको बता देता हूँ। ये दूसरे हिस्से पे देखिए मैंने सिर्फ बीएनसी लगाया है और डीसी कनेक्टर के लिए जो है वायर को छोड़ा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और सीसीटीवी कैमरे की पूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।